सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूरस और आप सभी देख रहे हैं एलियन बिश्नोई यूट्यूब चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नई न्यूज़ लेके आए हैं जिसमें जो कनेक्शन है वो लॉरेंस बिश्नोई का बताया जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा था कि जो कि अपराधी है उनका जो लिंक है वो लॉरेंस बिश्नोई से, और जो कि जेल से ये वारदात जो है लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप इस प्रकार की कोई सी भी टी शर्ट खरीदना चाहते हैं या फिर अपनी टी शर्ट के ऊपर कोई सी भी अपनी मनपसंद फोटो या आपकी खुद की कोई सी भी फोटो प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। ये वेबसाइट हमारी है और आपको बिल्कुल सिक्योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तो आप सभी को एक न्यूज़ आज से 2014 में आपको 6 साल पहले की पता होगी कि पेट्रोल बिश्नोई और संदीप सोनू बिश्नोई जो है इन लोगों की जो है मर्डर हो गया था, जो कि एक स्टूडेंट इलेक्शन था उसके बीच में एक प्रकाश पुनिया जो है उन्होंने जो है सोनू बिश्नोई और संदीप बिश्नोई की जो है मौत वो जो है हत्या कर दी थी। तो इनके कारण इन दोनों की जो है मौत हो गई थी मर्डर केस के अंदर। इसके बाद में क्या हुआ, अभी कुछ दिनों पहले इसका रिवेंज लिया गया। रिवेंज इस वे में लिया गया कि जो पेट्रोल बिश्नोई जो है वो बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के रिश्तेदार हैं, कुछ परिवार में उसके आता है और इसी के कारण उन्होंने जो है ये रिवेंज लिया। तो इसी के बीच में पुलिस ऑफिसर ने जो एक जांच पड़ताल की थी तो उसमें जो एक मोटरसाइकिल पर दो सवारी जा रही थी तो पुलिस ने उनको रोका, चेक पोस्ट पर रोका। तो वहाँ पर उन्होंने पहले तो कुछ नहीं बताया, जब उनकी थोड़ी यानी कड़ी पूछताछ की तो उनके पास से बहुत सारी बुलेट्स निकली और गन निकली, मैगजीन निकली, लोडेड मैगजीन थी। तो पुलिस वालों ने बताया कि भाई ये कुछ बड़ी वारदात कर सकते थे। तो आप देखिए पुलिस वालों ने आखिर क्या किया और इसके बाद में हम आगे वीडियो बढ़ाते हैं। कारतूस मिले हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कल जो डबवाली हरियाणा में जो मर्डर हुआ, डबल मर्डर, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में फायरिंग की गई, 35 कारतूस कह रहे 35 राउंड फायर की गए। तो पूरा क्योंकि वो हमारे नज़दीकी है वो इलाका, हम सीमा क्षेत्र में आते हैं, तो हमारे ज़िले में भी हाई अलर्ट पे पूरी पुलिस थी और नाकाबंदी के दौरान ही ये दो लड़के संदेहस्पद लगे जिनको रोका गया और इनसे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई। तो इनके पास जो बैग मिला उसमें 229 राउंड मिले हैं हमको, अलग अलग कैलिबर के, और साथ में ही एक पिस्टल मिला है, मैगजीन लोडेड पिस्टल मिला है। तो इससे साफ दिखता है कि इनकी मंशा कोई बहुत अच्छी नहीं थी और काफ़ी ख़तरनाक इनके इरादे थे और ये पूरे आसपास के इलाकों में और कई वारदात कर सकते थे। और इनके अभी जो प्रथम दृष्टया जो इनसे पूछताछ हुई है, प्राइमा फेसी जो भी इंट्रोगेशन हुआ है उससे इनका लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन जुड़ रहा है और आगे भी अनुसंधान में इस कड़ी में और काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक डेंजरस बात है कि इस तरह के जेल से इनका लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क हुआ और इन्होंने इस गैंग वॉर के चलते जो 2014 में जो मर्डर हुआ था उसका बदला लिया और आगे भी इनकी कोई और भी इस तरह की वारदात करने की सूचना मिल गई। तो इस मर्डर में इसके अलावा ये इनके साथ कोई और भी, अभी प्रथम दृष्टया इनके साथ और चार शूटर हैं जो ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई द्वारा भेजे गए थे। और वारदात में जो वहाँ पे जो चेकिंग हुई उसमें जो जो भी जब्त हुए सामान वो ये थे। ये काफी अच्छी कार्रवाई है और इसका मतलब, तो बस यही था आज की इस वीडियो में। कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सैल्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, ओबे ड्रग्स, रिस्पेक्ट वुमेन, जय हिंद, वंदे मातरम।